हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 एप्लीकेशन आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम की डेट आ गई है। हम एसएससी की साइट पर हम जाते हैं तो यहाँ देखिए शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन में हम देखते हैं ये है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ये आप देख रहे हैं कौन सा डेट है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021 कंप्यूटर बेस्ड सीबीई जो आपका होगा, पहले एग्जाम होगा। बहुत सारे साथी जो है उनके ये भी डाउट था कि पहले एग्जाम होगा या फिजिकल होगा, मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अभी आपको फिजिकल की तैयारी नहीं करनी चाहिए, अभी आपको पूरा फोकस अपना रिटन एग्जाम के लिए फोकस करना चाहिए। रिटन एग्जाम में मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कब एग्जाम होगा? तो एग्जाम आपका 16 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 यानी आपके एक महीने तक आपके एग्जाम चलेंगे। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपके एग्जामिनेशन होंगे। अब उसमें आपका एग्जाम कब आता है वो डिपेंड करेगा कि आपने फॉर्म किस हिसाब से आपने अप्लाई किया और शेड्यूल जो बनाया है एसएससी ने कि आपका 16 नवंबर को आता है या 15 दिसंबर को आता है। लेकिन अब ये समझिए कि आपका एग्ज़ाम कल है, कि आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना है कि आपका एग्ज़ाम कल ही है, आज आप सो रहे हैं तो मॉर्निंग में मेरा एग्ज़ाम है, ये सोच के पढ़ना है। बहुत सारे हमारे साथी देखिए अभी भी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग राष्ट्रपति जी तक गए हैं कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए, एक नंबर से पॉइंट्स में कैंडिडेट जो है वो आउट हो गए। मेडिकल के बहुत सारे पॉइंट्स जो थे, 95 मार्क्स भी था, एनआईए मिल जाता, लेकिन मेडिकल के नॉर्मल पॉइंट्स ऐसे थे कि उनकी वजह से कैंडिडेट को आउट होना पड़ गया। तो वो भी साथ साथ तय करें, मेडिकल सूटेबिलिटी भी तय करें। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं लेकिन उनको मेडिकल का पॉइंट ऐसा है कि पिछली बार भी फिट नहीं हुए थे, पिछली बार भी अनफिट हो गए थे, मेडिकल में ऐसा पॉइंट है कि उसमें फिट नहीं हो सकते। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एक्सपीरियंस के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन यदि मेडिकल में कोई ऐसा पॉइंट है कि वहाँ पर आप फिट नहीं हो सकते तो देखिए आपको पहले ही मेंटली आपको प्रिपेयर रहना होगा कि मैं इसमें फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मुझे एग्ज़ाम देकर देखना है। अब एग्ज़ाम में आपको क्या पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है उसमें भी बता देता हूं आपको कि आपका जो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें कौन कौन सा आपका सिलेबस होगा। कौन सा होगा तो वो उसकी हम बात करते हैं। यहां पे आपको 25 चार पार्ट आपके होंगे। 25 क्या होगा, वो होगा आपका जीके जनरल स्टडीज होगा, उसमें पूरा ही कवर होगा। मैट्रिक लेवल के आपके जनरल स्टडीज एनसीईआरटी बुक्स जो है उसकी हम बात कर सकते हैं। ये आपका रीजनिंग होगा और 25 का आपका मैथ्स होगा और 25 को आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको ऑप्ट करना है उसमें से आप एक ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है कि इस बार एसएससी जीडी 2021 का वर्दी हर हाल में पाना है। जय हिंद।